कारण पहले कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए, तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई, तब म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट किया था। 45 जवानों ने शहादत दी, तब बालाकोट एयर स्ट्राइक की। काश ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो गए होते तो एक पत्नी का सुहाग, एक बुढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होता। महोदय, डॉक्टर भी कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिका को काट कर फेंक देता है ताकि वो नासूर ना बने। और आज हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद तो उससे भी गंभीर समस्या बने हुए। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। महोदय, मेरे विपक्षी साथी किन दरिंदों के लिए मानव अधिकारों की दुआई दे रहे? उनके लिए जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता का गलियारा बंदूक की नली से नापना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो राजनीतिक शून्य, आर्थिक विफलता और अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जिन्होंने 38 भारतीय नागरिकों को इराक के मोसुल में मौत के घाट उतार दिया था और उनके घर वालों की पथराई आंखों को मिला भी तो सिर्फ ताबूत, और ताबूत में मृत्यु प्रमाण पत्र।